दुर्ग में हमारी मौजूदगी है और दुर्ग के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। जरा जल्दी से बातचीत कर लेते हैं इसे और जानते हैं कि कौन पड़ेगा किस पर भारी। सर बताइए। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाह रही है, ये बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। ये बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी को पता है कि वो जा रही है और आम आदमी पार्टी को बहुत स्पष्ट है कि वो आ रही है। आम आदमी पार्टी आ रही है, फिर कांग्रेस पार्टी कहाँ पर खड़ी है? कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में अभी सबसे अगली पायदान पे खड़ी है और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी सबको पसारते हुए लगभग 60 से ज्यादा सीटें यहाँ अर्जित करेगी। 60 से ज्यादा, 90 में से 60 सीटें कांग्रेस को ही आ जाएंगी, तो आप लोगों को क्या मिलेगा सर? हम लोग व्यवस्था परिवर्तनों की लड़ाई लड़ रहे हैं और 15 साल में एक भी विभाग भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है और इसका जवाब जो है जनता देगी वो खामोश है और अपना निर्णय वो 20 तारीख को और 16 तारीख का जो चुनाव होगा उसमें स्पष्ट हो जाए। दिल्ली में सहूलियत के हिसाब से तो कांग्रेस का दामन भी थाम लेते हैं आप और उसके बाद छोड़ देते हैं, ये बताइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी वास्तव में दमखम के साथ लड़ रही है ताकि वो बीजेपी को सत्ता से हटा पाए? बिल्कुल दमखम से लड़ रही है, इस बार पूरा युवाओं को प्रत्याशी बना रही है और दमखम से लड़ रही है कांग्रेस पार्टी और बिल्कुल इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, कोई बीजेपी का समर्थक भी है क्या? क्योंकि यहाँ पर मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं ज्यादातर या कांग्रेस पार्टी के दिखाई दे रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की यह स्थिति आ गई है मैडम कि आपने रेलवे के बिल पे, रेलवे के कूपन पे, टिकट पे प्रचार देखा होगा सरकार का, टेलीफोन के इस पे देखा होगा, आज निजी गैस एजेंसी जो एलपीजी घर घर सप्लाई करती है उस पे भी सरकार ने अपना प्रचार कर दिया जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। सरकार मार्केटिंग कर रही है, बाटो और बाटो की राजनीति कर रही है। सरकार की मार्केटिंग से दिक्कत है? बिल्कुल, ये देखिए पहले ऐसी रसीद आती थी निजी गैस एजेंसी की और इंडियन गैस एजेंसी, अब अभी इस माह से ये देखिए शासन का मोहर और ये पीछे पीछे मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कही गई है और पीछे आप दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के इस माह से ही ये आ रही है, ये बताती है कि बीजेपी की सरकार बिल्कुल हताश हो चुकी है और परेशान हो चुकी है। हताश और निराश हो चुकी है क्या? हताश और निराश हो चुकी है, पीछे से आ गया ये आप लोग। आप लोग भी कांग्रेस से हो? जी हाँ, कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस बिल्कुल जीत, कैसे जीते? बहुत अच्छे मतों से जीत रही है कांग्रेस, बीजेपी तो दूर दूर तक। मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे रमन सिंह बनेंगे? नहीं, रमन सिंह नहीं, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आ गया ये आप बताइए क्या बीजेपी की बहुत देर में आवाज आई है जरा? मैनेज कर ले वही मुख्यमंत्री, और हर पार्टी अपना चिल्लाती है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा, मेरा पार्टी आ रहा है, परंतु सही में तो किसी को पता ही नहीं होता कि कौन जीत रहा कौन आ रहा। वो तो जब चोनिंग वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, वो भी एक अंदाजा तो होगा ना कौन पड़ेगा किस पर, क्या लग रहा है अच्छा काम किसने किया है यहाँ? पुराने जैसे सीट तो नहीं आएगी, परंतु बीजेपी की सीट जरूर कम होगी, परंतु मुख्यमंत्री बीजेपी का ही, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। ये देखिए ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बीजेपी का ही, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बने। कौन बनेगा, कौन बने? कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर से लड़ाई लड़ रही है, हमारे ज्यादा विधायक आएंगे और सारे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सारे विधायक दल मिलकर जिस नेता को, दर्शकों को हम बता दें ऐसा लग रहा है कि दुर्ग से ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आवाज इसलिए भी बुलंद हो रही है क्योंकि आपको याद होगा 2014 में कुल 11 सीटों में से सिर्फ दुर्ग की एकमात्र ऐसी सीट थी जिसको कांग्रेस पार्टी बचा पाई थी। इसी वजह से कांग्रेस के इतने नेता आए हैं कि आइए सर आ गया ये, आ गया ये, कैसे जीतेगी लेकिन कांग्रेस यहाँ पर? कांग्रेस इसलिए जीतेगी क्योंकि यहाँ पे अब मीडियम क्लास का आदमी अब परेशान हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इतने साल नहीं हो रहा था परेशान, अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पे छोटा हर आदमी यहाँ परेशान हो रहा है, परेशान हो गए हैं, परेशान। ये कांग्रेस जब 3 साल थी तो पूरे यहाँ की छत्तीसगढ़ परेशान थी, ये 15 साल में बीजेपी से परेशान है, सिर्फ और सिर्फ रमन सिंह जो है वो पीओ और जीओ की राजनीति कर रहे हैं। मैदान से चुनावी घमासान की हर एक खबर आप देख रहे हैं, मेरे साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, लेकिन चलते हैं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। आपको बता दें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के विदिशा से खुदकुशी को लेकर हंगामा मचा हुआ है और इसको एससी एसटी से जोड़ा जा रहा है क्योंकि परिवार वाले सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट के डर से ही खुदकुशी की गई है। वैसे इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही निशाने पर है, लेकिन क्या है पूरा मामला और किस तरह से बढ़ सकती है शिवराज की मुश्किलें, यह रिपोर्ट देखिए। विदिशा के इस घर में कल तक खुशियों का डेरा था, लेकिन आज यहाँ हर ओर मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि परिवार के मुखिया ने आत्महत्या कर ली है। विदिशा के गजार मुंडरा गांव के रहने वाले इस परिवार का दावा है कि मृतक राजेंद्र राजपूत की गांव के ही सुंदरलाल अहिरवार से लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद सुंदरलाल ने राजेंद्र को एससी एसटी एक्ट के तहत जेल भेजने की धमकी दी और पुलिस को बुला लिया, जिससे मृतक राजेंद्र राजपूत इतने डर गए कि उन्होंने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। धमकी के चलते
धमकाया उसने धमकी दी, एक लगा दूंगा ये करवा दूंगा, तुम जेल के चक्कर काटोगे, थाने के चक्कर काटोगे, उस डर के मारे उन्होंने ये कर लिया। एससी एसटी एक्ट के विरोध की आग से शिवराज सरकार पहले ही दो चार हो रही है और अब उसी एक्ट के कारण किसान की कथित आत्महत्या से विरोध की ये आग नए सिरे से सुलगने लगी है। सपाक्स के नेता पीड़ित परिवार के घर डेरा डाले बैठे हैं और अब तैयारी पूरे जिले में नए सिरे से आंदोलन को खड़ा करने की है। वहाँ कांग्रेस का आरोप है कि कानून के दुरुपयोग से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लेकिन आरोपों पर बीजेपी की अपनी दलील है। आतंक फैलाया जा रहा है इस एक्ट का, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी उसके लिए उत्तर दें, समझाएं, कारण बताएं। मंदसौर में जाकर के आप किसानों पे गोली चलाते हो, उनको 1 करोड़ रुपया दे के आते हो पुलिस की गोली से मारे जाने पर, और आपके एक्ट की गोली से मारे जाने पर आप उनको कोई मुआवजा नहीं दोगे, वो बेचारे कहां जाएंगे। और जहां तक इस सरकार की बात है, सरकार तो बड़े बड़े वादे करती आई है, सरकार ने अपनी सोच के चलते तमाम पूरे देश को कहीं धर्म के आधार पर बांट दिया तो कहीं वर्गों के आधार पर बांट दिया है, जो कि बेहद चिंतित। मध्य प्रदेश में किसी के साथ में किसी भी कानून को लेकर अन्याय नहीं होने दिया जाता है और किसी भी तौर पर कि उसके मामले में इस प्रकार का काम ना पुलिस ने किया है, ना पुलिस या कोई दूसरा प्रशासन शासन का व्यक्ति करेगा ना कर सकता है। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन राजेंद्र राजपूत की मौत अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई है, जिसका ठोस जवाब अब शिवराज सरकार को देना है। हालांकि पुलिस इस मामले को एक सामान्य आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सपाक्स के जो दल मध्य प्रदेश में खड़े हो गए हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये ऐसा मामला है जिस पर विचार करने की जरूरत है, और उन्होंने इस पूरे मामले को एक नया राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया और इस घर के परिजनों के लिए बड़े मुआवजे की मांग की है। सवर्ण समाज परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त एससी एसटी एक्ट की ओर से पैदा की गई है, इसे माना जा रहा है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है मध्य प्रदेश में। आप बोलना चाहेंगे सर, खड़े हो जाइए, आप लोगों को भी दिक्कत है इससे? बहुत ज्यादा दिक्कत है, खासकर इस चीज से कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद जो अधिवेशन लाया गया है वो उसके हम लोग सख्त नाराज हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई गलत डिसीजन नहीं दिया, किसी एससी एसटी के व्यक्ति के ऊपर नहीं किया, उसने ये किया कि कोई अगर गलत केस करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। शिवराज जी ने तो कहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की ओर से तो ये कहा गया है ना कि किसी की भी गलत गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं की जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के इसमें बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद और एससी एसटी या कोई भी चीज को 2 नंबर पे रख रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि शिक्षा, कहाँ शिक्षा, कहाँ स्वास्थ्य सर? दिल्ली के मुख्यमंत्री लखनऊ में एक शख्स मारा जाता है, उसको हिंदू मुसलमान ब्राह्मण से जोड़ देते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैडम, आप ये भी देखिए कि जब दिल्ली में जब स्कूलों को बाहर से देखने के लिए विदेशों से जब टीम आती है। नहीं, आपको सवर्ण समाज लग रहा है कि नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी या कांग्रेस को? मैं ये पूछ रही हूं, और वो आएगा क्या आम आदमी पार्टी के पास? हमें ये बताइए कि अगर हम ये आरक्षण पर बात करेंगे तो शिक्षा, स्कूल और हॉस्पिटल और ये किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कौन बात कौन करेगा? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि इस पर बात कम होती है, लेकिन हिंदू मुसलमान और आरक्षण को लेकर जिस तरह की आग इस वक्त लगी हुई है पूरे देश में वो आपके सामने है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको एक बार फिर से मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनावी मुहिम में जुटी हुई है उससे बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की अपील कर रही है। मेरा बूथ मेरा वोट इस मुहिम के तहत कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि पूरी ताकत से आप जुट जाइए मध्य प्रदेश को जीतने के लिए। वैसे भी 15 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, लेकिन इस बार शिवराज के लिए राह आसान नहीं रहने वाली है। आपको बता दें, इंदौर में जो तस्वीर सामने आई आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नारों की हवा निकलते हुए दिखाई दे रही है। सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक ऊषा ठाकुर के मंच के पास ही बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूसों की बरसात कर दी। इस बीच मंच से ऊषा ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं को समझाती रही, लेकिन ऊषा ठाकुर की बात सुनने के लिए कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं दिखा और हंगामा काफी देर तक वहां पर जारी रहा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और दुर्ग की शानदार जनता जो अपने लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए।
पिछले आधे घंटे से ये लोग हमारे साथ हैं और यकीन मानिए अगले एक घंटे तक ये हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए मुद्दे उठाकर ये जानना बेहद जरूरी है कि अब की बार यहाँ पर बनने जा रही है किसकी सरकार। लेकिन छत्तीसगढ़ से आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। 5 सालों तक वसुंधरा सरकार ने वहां पर राज किया है, लेकिन इस बार सत्ता क्या बदल जाएगी? कांग्रेस पार्टी तो अपने लिए बहुत सारी संभावनाएं देख रही है, लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें जाट नेता जो जाटों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं हनुमान बेनीवाल, जिनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि वो बनेंगे राजस्थान में तीसरा विकल्प, क्योंकि राजपूत वर्सेस जाट की लड़ाई में अच्छा खासा प्रभाव इनका माना जाता है। लेकिन इनके दावे में कितना है दम? जावेद मंसूरी हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। नागौर जिले की खिमसर विधानसभा, इस विधानसभा से जीत कर आते हैं हनुमान बेनीवाल। पिछले 5 साल में जाट राजपूत के खेल में जाटों के उभरते हुए तेज तर्रार नेता के रूप में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पहचान बनाई है। 29 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं, लेकिन कितना फर्क डालेंगे कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर, इसका असर जानने के लिए हम उनकी विधानसभा में पहुँचे हैं और हम पड़ताल करेंगे। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में जगह जगह घूम रहे हैं। बीते कुछ महीनों में बेनीवाल ने नागौर, बाड़मेर, बीकानेर और सीकर में बड़ी किसान हुंकार रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। तमाम दलों से जो हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़के हमारे साथ आना चाहते हैं, वो सब दल भी इस गठबंधन में आमंत्रित है। हम गठबंधन करके राजस्थान के 200 सीटों के चुनाव लड़ेंगे। खिमसर क्षेत्र में लोगों से बात करने पर पता चलता है कि अपने इलाके में तो बेनीवाल की पकड़ अच्छी है। ये जो आप पूरा देखते हैं हनुमान बेनीवाल, क्या वो कामयाब होगा, हो पाएंगे या सिर्फ दोनों दलों के लिए वोट काटेंगे? विधायक साहब ने जो किसान के हित की मुद्दे लेकर के और आगे जो एक पार्टी का रूप धारण करने का जो विचार किया है, वो एक हनुमान जी का ही नहीं है बल्कि दुनिया का एक भाव है कि हमें एक तीसरा विकल्प चाहिए। नहीं साहब, हनुमान जी बेनीवाल बहुत अच्छे आदमी है, गरीबों के वास्ते अच्छे आदमी है। वो ऐसा नहीं है कि भाई केवल जाटों के लिए ही है, छत्तीसी कौम के लिए हनुमान जी आदमी अच्छे है। और मेरे ख्याल से तो ऐसा अगर मुख्यमंत्री भी नहीं राष्ट्रपति भी बनानी तो भी कम है। हनुमान बेनीवाल खुद जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं और राजस्थान में बड़ी तादाद में जाट खेती के काम से जुड़े हैं, लिहाजा हमने किसानों से भी बात की। कपास के खेत में हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ जो कपास है उसको निकालने का काम किया जा रहा है जो तैयार हो चुकी है। लेकिन किसानों की क्या दशा है कपास की खेती में, कितना मुनाफा हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? अब फायदा तो किसा है कि कई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान हुई है। तो किसान ने खेती करनी और करनी का ही। हम पार्टी को नहीं देखते हैं, बराबर है। पार्टी तो सभी आती है, घोषणा करके जाती है, लेकिन होता नहीं। हम तो यहाँ व्यक्तिगत से हनुमान बेनीवाल जी जब से आए हैं, जब से उन्हीं को वोट देते हैं और अभी भी 36 कौम उनके साथ है। खिमसर में तो जाट किसान भी कांग्रेस बीजेपी से नाराज और बेनीवाल के समर्थन में खड़े दिखे, लेकिन बाड़मेर, जोधपुर या जाट बहुल दूसरे इलाकों में बेनीवाल की सियासत का कोई असर दिखेगा या फिर वो महज वोट कटवा की भूमिका में? हनुमान बेनीवाल जाटों के अग्रेसिव लीडरशिप का एक नया चेहरा है। हनुमान बेनीवाल का सबसे ज्यादा असर तो उसके नागौर जिले के अंदर देखने को मिलेगा। हनुमान बेनीवाल खुद अपनी सीट तो निकाल लेंगे, लेकिन वो कहीं से मारवाड़ के किसी भी दूसरी जगह से उनके कैंडिडेट जीत दर्ज कर ले, ऐसा लगता नहीं है। राजनीतिक जानकार के मुताबिक हनुमान बेनीवाल बाड़मेर, जोधपुर और नागौर की 27 सीटों में जाट बहुल 12 सीटों पर वोट काट सकते हैं और वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जाट समाज परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोटर रहा है। जोधपुर से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। राजस्थान की रिपोर्ट आप देख रहे थे और आपको बता दें राजस्थान के मारवाड़ लेकर चलते हैं। मारवाड़ बेल्ट में भी इस बार लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प मानी जा रही है। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है क्योंकि राजस्थान के मारवाड़ बेल्ट में कुल 33 सीटें आती हैं, 90% पर पिछले बार बीजेपी ने कब्जा किया था। अशोक गहलोत के क्षेत्र में बुरी तरह से हारी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी का यहां पर सूपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र सूबे की सियासत में इलाके की बड़ी अहमियत है। इसी इलाके से आते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत। मारवाड़ ने अब तक राजस्थान को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। मारवाड़ क्षेत्र में 6 जिले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी की आंधी में कांग्रेस उड़ गई थी। 6 जिले की कुल 33 सीटों में 30 सीटों पर बीजेपी जीती।
सिर्फ 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई, जिसमें 1 सीट सरदारपुरा से अशोक गहलोत जीते। इस बार फिर बीजेपी का दावा है कि 30 सीटें जीतेंगे, लेकिन साथ ही गहलोत को सरदारपुरा से हराएंगे भी। पिछले 5 वर्ष पहले 33 में से 30 से सीटें हमने हासिल की थी और 30 सीटें भी कम नहीं होती, तो हमारे लिए 33 में से 30 सीट तो हमारे पास है ही। और सबसे हमारे पास प्रतिष्ठा की सीट वो है जो सरदारपुरा, जिसमें माननीय अशोक जी गहलोत चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हमारा इस बार सबसे बड़ा फोकस, हमारा टारगेट वो सीट है सरदारपुरा। मारवाड़ में अपनी जीत को दोहराने के लिए बीजेपी ने हाल ही में पाली में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन भी किया। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसमें शामिल हुई। भावी उम्मीदवारों का फीडबैक लिया गया, लेकिन इस बार दावे में कांग्रेस बीजेपी से भी आगे है। पार्टी नेता कहते हैं कि सभी 33 सीटें जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर रहा हूँ, जो परिस्थितियाँ गांव-गांव ढाणी ढाणी की और जो लोगों में जिस तरीके से उबाल है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, उसमें 100% हम वापस सुपड़ा साफ करने की स्थिति में जो 3 की कसर रह गई थी उसको भी हम वापस लेके चले जाएंगे। दोनों पार्टियों के अपने दावे, लेकिन मारवाड़ में जमीनी हकीकत क्या है, ये समझने के लिए हम पहुँचे जोधपुर की सियासत को समझने वाले जानकार के पास। सुनिए उनका जवाब। अब आज आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप जाइए फील्ड में, आपको लोग कहेंगे कि हमारा विधायक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार कांग्रेस की चाहिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहिए, लेकिन हमारा विधायक अच्छा है। आप क्या अनुमान लगाएंगे यहाँ का? अरविंद के मुताबिक नतीजा जो भी हो, लेकिन चुनाव पूरी तरह जातीय होगा, और ये भी कि इस इलाके में एक पूरी जाति के वोट एक ही पार्टी को देने की परंपरा भी रही है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा, लेकिन कांग्रेस जहां एक तरफ सत्ता विरोधी लहर के आसरे है, तो वहीं अब वो खुशी मना रही है कि मारवाड़ बेल्ट से ताल्लुक रखने वाले बड़े नेता मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस मारवाड़ बेल्ट से बहुत उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन असली नतीजे बाद में ही पता चलेंगे कि मारवाड़ ने किस दल को कितना दिया। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जावेद मंसूर, एबीपी न्यूज जोधपुर। राजनीति की खबरों का सबसे शानदार बुलेटिन आप देख रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान की हम बात कर रहे थे, आपको बता दें राहुल गांधी राजस्थान जाने वाले हैं, लेकिन उसके ठीक पहले टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी में शुरू हो चुकी है गुटबाजी। 30,000 करोड़ रुपए फ्री गिफ्ट क्यों दिलवाया? 25 अक्टूबर को राजस्थान के सीकर में राहुल गांधी की बड़ी रैली होने वाली है, जहां से वो किसान वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले टिकट को लेकर मारामारी भी शुरू हो गई है। दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ससुर और बहू आमने सामने हैं। जाट नेता और विधायक नारायण सिंह अपने बेटे वीरेंद्र चौधरी को इस सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो वहीं बहू रीता सिंह खुद के लिए टिकट मांग रही हैं। राजस्थान झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के अंदर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी टिकट को लेकर जंग तेज हो गई है। फतेहपुर से विधायक रहे भवरू खान अपने छोटे भाई हाकुम अली खान को यहां से खड़ा करना चाहते हैं, तो वर्तमान विधायक नंद किशोर मेहरिया और पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली भी फतेहपुर से टिकट की मांग कर रहे हैं। तीनों ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर अलग अलग कार्यकर्ता सम्मेलन भी किए। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश नेता आरसी चौधरी इसे गुटबाजी नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, ये गुटबाजी नहीं है। इस विधानसभा के अंदर दो ब्लॉक हैं, एक शहर का और एक देहात का। दोनों ब्लॉकों की अलग अलग मीटिंग होती है और ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है जो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ में पहुंचना चाहता है। मैं आपको राहुल गांधी के दौरे और रैली से पहले टिकट को लेकर इस संग्राम ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हमारी मौजूदगी है, और आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो जरा जोरदार तालियां हो जाए छत्तीसगढ़ के बढ़िया लोगों के लिए। देखिए यहाँ की जनता पूरी तरह से तैयार हो चुकी है अपने तीखे सवालों के साथ, और साथ ही वो ये भी बताएगी कि इस बार बनेगी किसकी सरकार। इनके सवालों का जवाब देने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे जल्दी से करवा देती हूँ। हमारे साथ आरपी सिंह जी कांग्रेस की ओर से जुड़ चुके हैं प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। और बीजेपी की ओर से प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ मौजूद हैं, गौरीशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है।
तो ये तो बात हुई हमारे मेहमानों की, लेकिन आपको बताते चलें जिस दुर्ग जिले में हमारी मौजूदगी है, अगर 2013 की बात करें तो यहाँ की कुल 6 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या तस्वीर बदल जाएगी? वैसे ये भी बताते चले, मध्य प्रदेश की खबर आप तक अब पहुंचाई नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में दुर्ग का अहम योगदान है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा यहां से आते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहां से आते हैं, सरोज पांडे बीजेपी के दिग्गज नेता राज्यसभा यहां से आती हैं, और साथ ही और भी कई दिग्गजों की यहां पर भरमार है, 2 प्रदेश के मंत्री भी यहीं से हैं। लेकिन विकास की कितनी बही है बयार यहां पर, इस सवाल को हम पूछेंगे यहां की जनता से। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी की पहचान रखने वाला यह है दुर्ग। यहाँ भिलाई स्टील प्लांट से लेकर चूना पत्थर का अकूत भंडार है, और ऊंची ऊंची इमारतों को मजबूती देने वाली सीमेंट कंपनियां भी हैं। लगभग 20 लाख की आबादी वाला ये जिला कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही दिग्गज नेताओं का गढ़ भी है। कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा दुर्ग से आते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, एमपी के मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और रमशिला साहू भी दुर्ग से नाता रखती हैं, और इसीलिए दुर्ग जिला बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी अखाड़ा बन गया है। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। किसानों की आत्महत्या, खराब सड़कें, प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से लोगों को रोज दो चार होना पड़ रहा है। विकास तो कागजों में दिख रहा है, लेकिन जमीनी विकास की स्थिति ठीक नहीं है। आज छत्तीसगढ़ पूरा नशा में व्याप्त है, सरकारी शराब बेचा जा रहा है। चिकित्सकों की भारी कमी है, ये सभी जानते हैं, और उसकी वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा दुष्प्रभाव आ रहा है। चुनावों से पहले हर बार ऐसे ही मुद्दे उठते हैं, लेकिन बीजेपी मुद्दों से पार बाजी मार जाती है। पिछले चुनावों में जिले की 6 सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस जीत का आंकड़ा छुपाई थी। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि 18 सालों बाद 2014 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी, इसीलिए जिले में इस बार कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। लेकिन बीजेपी 2013 के नतीजों को दोहराने का, लेकिन दुर्ग की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, ये जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं दुर्ग। छत्तीसगढ़ के कुल 11 में से एकमात्र यही ऐसी सीट थी कांग्रेस पार्टी जिसे 2014 में बचा पाई थी, लेकिन 2013 की तस्वीर अलग थी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने बाजी मारा था। फिलहाल यहाँ की जनता से जल्दी जल्दी एक सवाल पूछ लेते हैं, अब की बार किसकी सरकार? जरा पीछे से भी, अब मैं सीधे बीजेपी के पास जाती हूँ। देखिए, जनता के बीच से जो आवाज आ रही है वो तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। अब की बार लोग बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार। देखिए, इस पार्टी के पास नारा भी नहीं, इन्होंने नारा भी हमारा चुराया है। जो आपकी बार मोदी सरकार बोलते थे, आपकी बार कांग्रेस सरकार, मतलब जिस पार्टी के पास नारा खुद का है, जिस पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कोई ना हो, और सबसे बड़ी बात ये धरती है यहाँ के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की है, लेकिन जिस प्रकार इस धरती को कलंकित किया गया है, और जो इस पार्टी के नेता जिसका आप जिक्र करते हैं, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से आते हैं, जिन्होंने प्रदेश की राजनीति को कलंकित करने का यहाँ पे प्रयास किया, ऐसे लोगों को जनता, पूरे प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी इनको सत्ता नहीं सौंपेगी। ये देखिए, ये तो सीधे आपके प्रदेश अध्यक्ष पर ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कलंकित करने का काम किया है, पर कैसे जीतेगी कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर एक फटा हुआ ढोल है, जिसको बहुत जोर से जब बजाने की कोशिश की जाती है तो उस ढोल में से आवाज आती है, कमीशन कमीशन कमीशन। कांग्रेस का ढोल बज रहा है? कांग्रेस का ढोल सबसे पहले आपने बजाया चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। एबीपी हिंदुस्तान का पहला चैनल था जिसने छत्तीसगढ़ का सर्वे दिखाया था और ये कहा था कि 54 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो हमारे सर्वे से आप गदगद हैं, लेकिन चुनाव अभी दूर है, याद रखिएगा। देखिए, आपके सर्वे से हम गदगद नहीं हैं, आपके सर्वे से हम और आगे चलने का और बेहतर करने का हौसला मिला है, और हम आपके सर्वे पर खरा उतर दिखाएंगे। देखिए, ये कह रहे हैं, ये हमारे सर्वे पर खरा उतरने के लिए अब अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, फिर क्या करेगी बीजेपी यहाँ पर?
कोई और चैनल की बात नहीं करूंगा, एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी विश्वसनीयता है पूरे देश में, पूरे विश्व में। आप ही के चैनल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सर्वाधिक लोक प्रति मुख्यमंत्री बताया। सही बात है। दूसरे नंबर पर अजीत जोगी, इनकी पार्टी का तीसरा नंबर है। हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, विपक्ष ही होड़ है कि नंबर वन की पोजीशन में ये बैठेंगे कि जोगी जी बैठेंगे। 65+ के आंकड़े के साथ हम सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी का समूल उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस पार्टी को समूल उखाड़ फेंकेंगे, क्या ऐसा होगा? जरा जनता की आवाज ले लेते हैं जल्दी जल्दी से, बताइए कैसे है सवाल। मेरा सवाल गौरी शंकर जी से है, शिक्षा और रोजगार एक सिक्के के दो पहलू हैं और इस सिक्का को ही छत्तीसगढ़ सरकार ने चलन से बाहर कर दिया है, इसको ही खोटा साबित कर दिया। मैं आपकी बात करूंगा, बहुत दुख की बात है कि हम यहाँ से तो मंत्री भी हैं। हाँ, भिलाई से उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं और CSVT यूनिवर्सिटी के अंदर 46 कॉलेज आते हैं जिसमें 80% कॉलेज का 10% सीट भी नहीं भरा है। और मैं बताना चाहूंगा कि 4 कॉलेज में मात्र 1% सीट। ऐसा क्यों? शिक्षा मंत्री के रहने के बावजूद ऐसा क्यों? इधर से खड़े हुई है सर, खड़े हुई बताइए कैसे। यहाँ दुर्ग जिले में सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और यहाँ तीसरी कोई भी पार्टी नहीं दिख रही। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, इधर आइए क्यों इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं बताना चाहूंगा, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये स्वयं रोजगार है, इनके पास निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में रोजगार उपलब्ध है, नगर निगम भिलाई में सफाई कर्मचारी। मतलब सबका व्यक्तिगत पोल खोलेंगे ठीक है, बताइए एकदम। ये तो नगर निगम में सफाई कर्मचारी, इनके बायोमेट्रिक मशीन में इनका अटेंडेंस लगता है रोज। आप क्यों फिर वो कह रहे हैं कि आपका तो बायोमेट्रिक मशीन में लोग रोज आप थम करते हैं, तो फिर आप रोजगार को लेकर सवाल। यहाँ पे राम जन्मोत्सव समिति के 100 से ज्यादा रजिस्टर में केवल हाजिरी लगता है, यहाँ के पार्षद के घर में पीयूष मिश्रा रिकेश से नेता प्रतिपक्ष में वहाँ का गार्ड खाना बनाती है और यहाँ के मंत्री जी सवाल को छोड़ पूछे जवाब आपको छोड़ दे रहे हैं, इधर है सर। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की कौन सी है? मुद्दा यहाँ का सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ पर मुद्दा मात्र विकास का है, विकास हो रहा है, भिलाई की जनता कहीं से किसी चीज से ले दुखी नहीं है, चारों तरफ विकास। क्या बात कर रहे हैं, राम राज्य है यहाँ पर? बिल्कुल राम राज्य है, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है 3 साल से। बोल दीजिए बताइए। नगर निगम में 3 साल से कांग्रेस की सरकार है, एक नाली, एक सड़क, एक कहीं का निर्माण। डेंगू से 45 लोगों की मौत हो गई है इसी साल, आप कह रहे हैं राम राज्य? कोई आदमी भी डेंगू के लिए किसी में नहीं हुआ है, ठीक है। साफ पानी की व्यवस्था नहीं, महापौर जिम्मेदार है, महापौर नालियों की स्थिति यहाँ पर बेहद खराब है, आप कह रहे हैं राम राज्य? कांग्रेसियों ने टोटल लाश के ऊपर में राजनीति करी है, एक भी आदमी किसी भी प्रकार से किसी मरीज का, किसी पीड़ित को मदद करने के लिए आगे नहीं आया है। ठीक है, कुछ और लोग आइए, क्या बोल रहे हैं आप? राम राज्य है यहाँ पर? 3 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है निगम में, इन्होंने सफाई का ठेका तक नहीं होने दिया महापौर जी ने, इस वजह से यहाँ डेंगू पहुँचा है, महापौर के खुद के आदमी। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि डेंगू अगर फैल रहा है तो उसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, बताइए आपका किसे है सवाल? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम इस बार आरपी सिंह साहब को मौका देते हैं कांग्रेस को, तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा? मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तो सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन आम आदमी पार्टी का है सर, कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल झाड़ू लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? सिर्फ छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं, और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट पे पहुंचाते हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देते हैं, जिसने कहा था ये नाली के कीड़े हैं, उस शीला दीक्षित को चुनाव हरवा करके वहाँ। बीजेपी और कांग्रेस यही भी कहती है लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पंजाब में बीजेपी कांग्रेस कहती है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और रहा सवाल आम आदमी, भाषण बहुत अच्छा देते सर, पूछ क्या रही हो, बता क्या रहे? इसको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब मैं सत्ता आती, अभी आप पूछ रही थी यहाँ ST Act के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने थे, उस समय भी संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, और जब देश यह संविधान से चलता है और जब जब संविधान में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाले लोग सत्ता के बाहर चले जाते हैं, यह देश का इतिहास है। चलिए, आम आदमी पार्टी में थोड़ा जोर जरूर आया होगा आपकी भाषण को सुनकर, इधर आओ, ये बड़े देर से परेशान थे, इनका एक मुद्दा है, बहुत देर से कह रहे थे कि मुझे मौका जरूर मिलना चाहिए बोलने का, बताइए क्या है सवाल आपका? सवाल मेरा यही है कि आज तक मुझे 10 साल हो गया, मेरा पिताजी लड़ते तवेरा गुंडरदे ब्लॉक बालोद जिले का निवासी हूँ, अभी तक 7 बार कलेक्टर तक चल दिया हूँ, 1 बार SDM कर गया हूँ, मुख्यमंत्री निवास में भी गया हूँ, नंबर दिया है, उसका आला अधिकारी कहता है कि अभी मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत, मैं नाराज हूँ कि दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारे पास खुद का जमीन नहीं है, हमारे पिताजी का नाम 2011 में BPL में नाम है, अभी तक हमारे पास खुद का जमीन नहीं है, उस गांव में हम अवैध कब्जे में है, तोड़ दिया गया है,
आपका घर तोड़ दिया गया है, इस वजह से बीजेपी से जो सरपंच है वो भाजपा का उपाध्यक्ष है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बीजेपी के बड़े नेताओं तक आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी। खड़े जाइए, बड़े ताली बजा रहे थे, बताइए क्या है सवाल, दिक्कत सबसे बड़ी क्या है यहाँ की, दुर्ग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मैम यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बेरोजगारी की दिक्कत है, जो एजुकेशन है टेक्निकल एजुकेशन उसमें क्वालिटी दिन पे दिन गिरता जा रहा है, 15 साल में क्वालिटी गिरा दिन पे दिन गिर रहा है। और क्वालिटी को देखते हुए आपने अपने एक मंत्री की तो छुट्टी कर दी, दुर्ग ग्रामीण से तो उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन ये बताइए शिक्षा मंत्री के होते हुए भी अगर शिक्षा को लेकर दुर्ग के लोग सवाल खड़े करेंगे तो फिर बीजेपी के पास क्या जवाब होगा? ये वही दुर्ग है जहाँ पे IIT जैसी संस्थाएं कार्य कर रही है, ये वही दुर्ग है जहाँ पे 2 से 3 महाविद्यालय है, ये वही दुर्ग है जहाँ के बच्चे IAS। सबसे ज्यादा सवाल शिक्षा को लेकर पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस प्रकार का शिक्षा का इंफ्रा हमको मिला उसमें हमने बहुत काम किया, शिक्षा कर्मी ऐसे गुरुजनों को शिक्षा कर्मी ऐसे शब्द से नवा गए, यह सारा गड्ढा कर पाटने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज छत्तीसगढ़ राज्य में IIIT लाह विश्वविद्यालय ऐसी संस्थाएं कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए बस्तर हमारा आज एजुकेशन हब बना, बस्तर का क्षेत्र जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके चैनल में मैं कहना चाहता हूँ, दुर्ग की जनता से और कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूँ, वो कौन फिरोज सा तुगलक यहाँ पे आया था जिसने छत्तीसगढ़ की बेटी के अस्मत से खिलवाड़ करने का प्रयास किया? कैसे लोगों को आगे जनता क्या वोट देगी, कैसे लोगों को 1700 देगी? अरे अपने काम तो गिनाइए किया क्या है 15 सालों में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताइए, बार बार तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग सत्ता में आ गए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए सारी बातों का जवाब एक साथ में दूंगा मैं, मैंने तो एक ही सवाल पूछा है। आ रहा हूँ, देखिए आप बाबा गोरखनाथ की पवित्र धरती से आती हैं, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा किसको डिक्लेयर किया था? किसी को नहीं, तब भी जीते। बीजेपी की नकल कर रहे हैं आप, बीजेपी की नकल हो रही है। जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं वो जवाब दे कि 2003 में उनका चेहरा कौन था। और अब मैं आ रहा हूँ मुख्य मुद्दे पे, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। ये विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं, ये राज्य सरकार क्या करती है शिक्षा के लिए। दिखाइए जरा, दिखाते भी रहिए क्या है। 2013-14 में यहाँ 54,610 स्कूल हुआ करते थे, जो कि 2016-17 में घटकर 50,000 हो गए हैं। बेरोजगारी की बात जहाँ तक है, एक संस्था है CMIE जो बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है, और पूरे हिंदुस्तान में त्रिपुरा के बाद सर्वाधिक बेरोजगार है तो हमारे यहाँ है। इतनी बेरोजगारी है, शिक्षा का इतना बुरा हाल है, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है, फिर भी कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर इतना भरोसा क्यों नहीं कर पा रही ताकि एक मुख्यमंत्री का चेहरा आगे कर दे और चुनाव जीत जाए? आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं फिर से दोहराता हूँ, 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा आगे क्यों नहीं किया था? अरे फिर आप बीजेपी को देख के ही चल रहे हैं ना, फिर आप उन्हीं की लकीर पर चल रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी में फर्क क्या हुआ? पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, इनके यहाँ तानाशाही है, यही वजह है कि एक आदमी आगे होता है। और रायगढ़ कार्य समिति और कोरबा कार्य समिति में आदरणीय सरोज पांडे और ब्रिजमोहन जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन मरेगा इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। ठीक है, मतलब गुटबाजी तो आपके वहाँ भी है, आपके तो मंत्रियों में ही आपस में नहीं पटती है, बड़े नेताओं में ही आपस में नहीं पटती है, कैसे जीतेंगे फिर? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लड़ने वाला कार्यकर्ता, जितवाने वाला कार्यकर्ता। हमारी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा किसी को नहीं मालूम अगर मैं पूछूं तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है सभी को मालूम था, जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ, जिसके पास कोई छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर विजन नहीं है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है पढ़ के जाते हैं। आपके पास इतना ज्यादा विजन है, 15 साल से क्या कर रहे हैं आप लोग कि वहाँ के लोग बैठ के विकास के तमाम बातों को गिनवा रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य की हमने तस्वीर बदली है प्रत्यक्षम किम प्रमाण। कह रहे हैं विकास सही हुआ, इधर से लोग कह रहे हैं विकास सही हुआ। जो विकास विरोधी लोग हैं उनको विकास नहीं दिखता, अगर विकास नहीं किया होता तो 3 बार से जनता का आशीर्वाद हमको नहीं मिलता। ये बड़ा सवाल है कि 3 बार से बीजेपी अगर जीत रही है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना, बताइए। ये बोलते हैं कि विकास हुआ है 2003 से माननीय रमन सिंह जी की सरकार है। आप आज भिलाई कैंप में चले जाइए, वो पूरे कैंप और कुर्सी पार में 6 से 10 बजे तक 4 घंटे 5 घंटे पिछले 15 सालों से बिजली गोल रहती है। कहां से बिजली, जबकि छत्तीसगढ़ में सरप्लस है, रमन सरकार बिजली बेचती है, लेकिन कैंप कुर्सी पार में 4 से 5 घंटे बिजली गोल रहता है, इसका जवाब दे। बिजली वहाँ पर गोल क्यों? चलिए इसका जवाब मैं लूंगी। मेरा कहना, मेरा प्रश्न गौरी शंकर जी से है, एक मिनट। बोलिए आपके बात। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं, यही दुरूप में मुख्यमंत्री ने 2013 फरवरी में घोषणा की थी कि मेट्रो चलाएंगे राजनांदगांव से लेकर रायपुर तक, लेकिन आज तक मेट्रो की एक भी पटरी नहीं बिछी, बिना फिजिबिलिटी चेक। खाली
पे घोषणा ही की जाती है क्या, मतलब बीजेपी के बड़े बड़े नेता घोषणा भी रहे। चलिए आ जाते, देखिए अजीत जोगी की पार्टी से हमारे साथ लोग मौजूद हैं और सारे लोग गुलाबी रंग में आए हैं। गुलाबी पहनने के पीछे कुछ खास वजह? ये पूरा छत्तीसगढ़ गुलाबी होने वाला है, पूरा छत्तीसगढ़ गुलाबी होने वाला है, ठीक है। मेरा सवाल श्रीवास जी से है, आपकी सरकार पिछले 15 सालों से यहाँ पे ही, और यहाँ भिलाई में 45 मौतें डेंगू से हुई हैं, और ये क्यों हुई है? क्योंकि 15 सालों में आपने, आपकी सरकार ने ऐसी कोई हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था, ये सवाल मैं पूछूंगी क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही निशाने पर हैं कि नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा है और सरकार में बीजेपी है, ये लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। लेकिन 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 ये बताइए, आप लोग कैसे जीतेंगे? किसका खेल खराब कर रहे हैं आप लोग, सच सच बताइए, किसका खेल खराब कर रहे हैं? खेल तो बीजेपी का खराब हो रहा है और हमारी सरकार बन रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की बी पार्टी बनकर सामने आ गए। जी नहीं नहीं नहीं, बीजेपी की बी पार्टी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी तो आपस में मिले हुए हैं। अजीत जोगी जी कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में आए। हम किसी की बी पार्टी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल शासन किया, केवल छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को झूठ बोल के शासन किया, 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात थी, कहाँ गया? झलियामारी में छोटी छोटी बच्चियों के साथ छात्रावास में, सरकारी छात्रावास में बलात्कार होता है, गर्भ धारण कर लेती हैं, क्या आज तक उसका रिजल्ट आया? गंभीर है मुद्दा, गंभीर है, ठीक है सर, लेकिन किसका खेल खराब कर रहे हैं आप लोग बताइए। हम मिशन 72 लेके चले हैं और हमारी सरकार बनेगी और जोगी जी। कैसे मिशन 72 कंप्लीट होगा? मिशन 72 कंप्लीट होगा, हमारे साथ बसपा आई है, बसपा और हम मिलके छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएंगे। बसपा लेफ्ट और अजीत जोगी की ये पार्टी मिलकर कहा जा रहा है कि खेल खराब करने वाली है, इससे नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है? यह दिलचस्प रहेगा, बताइए क्या है ये, क्या है? डेंगू को लेकर बात किया जा रहा है, दिल्ली से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम आई थी, उसने जांच किया था और उसने सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री को डेंगू का जिम्मेदार मांगा था और यहाँ का क्षेत्रीय मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को, और ये लोग बात करते हैं, अरे नारियों के अस्मिता से खेलने की बात करते हैं। शिव शंकर जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में 15 साल से रमन सिंह का सरकार है, यहाँ पे प्रतिवर्ष 1776 महिलाओं का बलात्कार होता है। रेप के मामले इतने सारे सामने आ रहे हैं, देखिए रेप के मामले इतने सारे सामने आ रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। एक तो डेंगू को लेकर आपके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। देखिए छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे दुर्ग वही जिला है जहाँ की राज्यसभा सांसद महिला है, यहाँ की महापौर महिला और यहाँ की प्रत्याशी भी हमने महिला को चुना है। रहा सवाल महिलाओं के, एक महिला का टिकट काट दिया कह रहे हैं प्रत्याशी महिला को चुना है, रामशिला जी का टिकट काट दिया कह रहे हैं कि प्रत्याशी महिला, क्यों टिकट क्यों काटा ये बताइए, टिकट क्यों काटा? भारतीय जनता में टिकट की अपनी प्रक्रिया है, टिकट का जिस प्रकार से हमारा जो कोई काम नहीं कर रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय चुनाव समिति ने, जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने पारदर्शिता के साथ चुनाव किया, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जिस प्रकार हमारा आंतरिक सर्वे हुआ, जिस तरह चुनाव हमारी जो यहाँ राज्य इकाई की चुनाव समिति है, केंद्र इकाई की चुनाव समिति, सारे गुण दोष के आधार पर यहाँ पे चयन होता है, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का जो हमारे प्रत्याशी जो रणबांकुर है मैदान पर जाएंगे, हम 65+ के आंकड़ों को प्राप्त करेंगे। 65+ आता है कि नहीं ये बड़ा सवाल है कि सर, वो अजीत जोगी की पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, माना जा रहा है कांग्रेस का खेल खराब करेंगे, फिर कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए जोगी जी के बारे में बात करना इतने बड़े चैनल में खाली समय की बर्बादी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम जो मुख्य मुद्दा उस पर आते हैं, मुख्य मुद्दा यहाँ डेंगू। मैं आपको अजीत जोगी की पार्टी से डर नहीं लग रहा है? देखिए उनके बारे में बात करना समय की बर्बादी है, इसलिए मैं फिर से आ रहा हूँ डेंगू पर। देखिए डेंगू की बीमारी क्यों फैली और क्यों उसकी रोकथाम नहीं, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता नगर निगम में तो आप ही लोग हैं ना, आपको बता रहा हूँ मैडम, सुनिए पहले। बीजेपी सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि महापौर के हाथ से ड्राइंग के अधिकार निकाल लिए गए, वो 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता। ये तो गजब है, मतलब आप लोग अगर काम नहीं करें तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ना ना, जो मैं बता रहा हूँ आप इसकी पुष्टि कर लीजिए। हर नगर निगम में प्रशासक बैठा, आयोजन कमिश्नर, उसकी मर्जी के बिना 1 रुपया महापौर खर्च नहीं कर सकता। महापौर ने 3-3 बार यहाँ पर ठेका करने का प्रयास किया, हर बार अंदर उठा। देखिए आप लोगों ने यहाँ पर खेल खराब करने का मतलब डेंगू पर भी बीजेपी अब राजनीति करेगी। महज लव लेटर लिखने से अगर अपनी जवाबदारी की तीसरी अगर इनके महापौर करते हैं तो भगवान मालिक है शहर का, ये निष्क्रियता का। वो तो सीधे कह रहे हैं ना, आप लोगों की वजह से स्थिति बिगड़ी है। किसी प्रकार की स्थिति नहीं, मैं तो आज जनता के सामने इस बात का खुलासा करूंगा कि इनके महापौर ने सफाई कर्मी में भी घोटाला किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वहाँ पे अभी भी उनका नाम अंकित है, पेपर में तमाम प्रकार की चीजें हैं। ये महज आरोप लगाने वाली पार्टी सर, लेकिन ना डेंगू जैसे मुद्दे पर जिस पर 45 मौतें हो गई हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गलत कर रहे हैं, बताइए एक एक करके। जी भाई साहब का कहना ये था कि आज तक नहीं कि मतलब साफ सफाई में मतलब आगे रही है, नहीं कुछ रही है। मेरा कहना एक ही चीज है कि पिछले 10 सालों से महापौर
जो कि नगर निगम में कब्जा जमाए रखे हुए हैं, वो सके कि क्या किया है महसी आपकी है महापौर, कांग्रेस कांग्रेस की महापौर ने कुछ नहीं किया। बताइए आपका क्या कहना है, विकास हुआ है आपके जिले का? बिल्कुल नहीं विकास हुआ है हमारे जिला का। भिलाई नगर में पिछले 10 साल से कांग्रेस की महापौर है जिसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि इनके कारण आपकी सरकार ने कुछ किया है। चलिए उनकी महापौर ने कुछ नहीं किया, आपकी सरकार ने क्या किया यही बता दीजिए। आप जाके देखिए हमारे वैशाली नगर विधानसभा की सड़क में, वहाँ पूरी सड़कें बनी हुई है, हर जगह नाली बनी हुई है, और जहाँ जहाँ हमारे भाजपा के पार्षद हैं और हमारी सरकार है वहाँ विकास की गंगा विकास की गंगा बह रही है। आप भी भगवा वाले दिखाई दे रहे हैं। मैडम तीन यूनिवर्सिटियाँ हैं, 45 से 46 कॉलेजेस हैं, एक इसे लाइवलीवुड कॉलेज है, और इससे ज़्यादा क्या विकास की जरूरत है? और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, 2000 से लेकर के 2003 तक का आपका शासन था, आप अपनी विकास की कोई उपलब्धि बता दें तो बहुत बड़ी बात हो। चले ठीक है, मतलब 3 सालों की उपलब्धि आपको ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, 15 सालों का जवाब नहीं देंगे, बताइए। दोनों मिले हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी, दोनों की सत्ता हमने देखी, एक चोर एक लुटेरा, आधा तेरा आधा मेरा, एक ये है। एक बात और, एक मिनट, 50 लोग डेंगू से मर गए केनाल रोड की वजह से, 50 लोग डेंगू से मर गए, उसमें रमन सरकार क्या कर रही थी? आंख फोड़ कांड है, गर्भाशय कांड, इन सब में कितने लोग मर गए, क्या हुआ? दोनों मिले हुए हैं मैडम, ये प्रोग्राम खत्म हुआ, सब मिल बैठ करके साथ में रहेंगे, सब मिल बैठ के साथ में रहेंगे। ये गजब, देखिए ये आम आदमी की आवाज है, ये आम आदमी की आवाज है, कह रही है दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों ही मिले हुए हैं, बताइए। मैं आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में झीरम कांड जो हुआ है, विधानसभा में कहा गया था CBI जांच कराएंगे, दूसरा कांड इंदिरा प्रदर्शनी घोटाले का मामला, PDS का मामला, इसकी जांच आप कब कराएंगे ये बताएं मुझे। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी जांच कब आएगी? इधर आओ, बहुत खुश हो रहे हो, उधर आओ, दौड़ के आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नीली पीली शर्ट वाले भाई इधर आओ, इधर आओ, देखिए उधर घूम रहे, इतने खुश हुए थे, इधर आ जाओ। सबसे बड़ा सवाल यहाँ का क्या है? मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ का ये है, जब लोग डेंगू में पीड़ित थे और भाजपा सरकार के लोग मोबाइल त्योहार मनाने में बिजी थे, और यहाँ का एक ही नेता काम किया था, वो देवेंद्र यादव है, जो काम किया है। आज किसी के भी पूछ लो, भाजपा वालों के भी घर में डेंगू हुआ था, गाड़ी महापौर देवेंद्र यादव की पहुँचती थी उनके घर पे, ये समझ गए। देखिए कुल मिलाकर डेंगू पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? बार बार डेंगू की बात हो रही है, यहाँ डेंगू की बात करने वाले MIC के स्वास्थ्य प्रभारी जी सामने बैठे हो, जो नगर निगम में स्वास्थ्य के प्रभारी हैं, और यदि प्रेम प्रकाश पांडे जी इस शहर का नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो मैं कहना चाहूंगा 400 लोग की मृत्यु होती भारतीय जनता पार्टी में प्रेम प्रकाश पांडे जी की वजह से, 5000 लोग बचा के घर वापस गए। ठीक है, आपको लग रहा है कि बीजेपी की उपलब्धि है, मतलब 400 लोग मारे जाते हैं अभी कब हुए? पूरे भारत में पहला प्रदेश होगा जहां माननीय मंत्री जी ने इलाज मुफ्त करवाया है, जिसमें हर हॉस्पिटल में किसी को 1 रुपए नहीं देने की जरूरत। ये कौन सा मुफ्त में इलाज हुआ कि 45-40 से ज्यादा लोग मारे जाते? नगर निगम का काम है ना मैडम, वहाँ के महापौर सब ऐसे बैठे हुए, मिल बैठ कर करे ना, यही तो कह रहे हैं कि दोनों मिल बैठ कर इसीलिए अगर जब कांड हुआ है तो माननीय मंत्री जी फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल सभी को फ्री इलाज कराया गया। इनका मानना है कि मंत्री जी ने अच्छा काम किया है और इस वजह से एक बार फिर से बीजेपी आएगी। अपने आप में बहुत सारे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ से उठ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और आपने देखा बहुत सारे ऐसे सवाल जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि इसी साल 45 से ज्यादा लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है, रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सत्ता रहेगी बीजेपी की या फिर बदल जाएगी, कांग्रेस पार्टी कितनी पड़ेगी भारी, ये तो वोट डालने के बाद ही जनता यहाँ की तय करेगी। आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में बस इतना ही, कल शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, मुख्यमंत्री के इलाके से, वहाँ की जनता क्या बोलती है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बताएंगे कल शाम 5 बजे से, लगातार कहीं जाएगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।